हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेसिस राइटिंग के बारे में। जैसे कि एग्जाम्स में आपके आते हैं, जैसे 12th क्लास का बिहार बोर्ड में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश का एग्जाम है, अगर इंग्लिश का पेपर है तो उसमें जो लास्ट क्वेश्चन आपका होता है वो एक प्रेसिस राइटिंग होती है। तो आज इसी विचार से इसे बनाया गया है। तो जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट द प्रेसिस ऑफ गिवन पैसेज। तो पैसेज को सबसे पहले तो आपको पढ़ना है। पैसेज को पढ़ेंगे आप बहुत ही उसे सरसरही निगाह से, मतलब डीपली उसे पढ़ेंगे पैसेज को, और पढ़ने के बाद पैसेज का जो अर्थ आपको समझ में आता है उस अर्थ के अनुसार उस पैसेज को अपने शब्दों में आपको लिखना है। और लिखने का मतलब यह है कि उसे प्रेसिस करना है, छोटा करना है। लेकिन उसमें कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग कैसे करते हैं, कैसे छोटा करेंगे, क्या उसका तरीका है, ये इन सभी बातों को मैंने नोट किया हुआ है एक पॉइंट वाइज आपको समझने के लिए। तो पूरे वीडियो तक बने रहिएगा और ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो जो भी आपको पैसेज दिया गया है जिसकी प्रेसिस करनी है, उस पैसेज को पहले कम से कम 2 या 3 बार आप पढ़ लीजिए। अगर समय कम है तो एक ही बार पढ़िए और उसे डीप से पढ़ेंगे ताकि आपको पैसेज समझ में आ जाए। ठीक है गाइस, जैसे यहां पर लिखा है मैंने रीड द गिवन पैसेज 3 times। 3 बार मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला है, वो आप समय देख करके करेंगे। अगर आपके पास कम समय है तो 2 ही बार पढ़ेंगे, लेकिन पैसेज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आता है तो उसे अपने शब्दों में आप लिख करके सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं समझ में आता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। अगर इंग्लिश कमजोर है लेकिन अच्छा नंबर लाना है तो आप उसका उपाय भी है मेरे पास, लेकिन पहले आप उसको समझेंगे। पहले पैसेज को आप पढ़ेंगे 3 बार। 3 बार पढ़ने के बाद जो भी आपका सेंटेंस होगा, जब आप प्रेसिस करेंगे, प्रेसिस करने में उसे आप इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखेंगे। कोशिश करेंगे कि जो सेंटेंस आपको दिया हुआ हो डायरेक्ट स्पीच में ना होकर के इनडायरेक्ट में हो, ज्यादा बेहतर बनता है। उसके बाद क्या करना है कि जो आपका पैराग्राफ होगा, जो पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को 1/3 करेंगे। जो भी आपका पैराग्राफ दिया हुआ होगा उसका 1/3 करेंगे। 1/3 करने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब है कि अगर 100 वर्ड्स में है तो 33 या 34 वर्ड्स में उसको कर लेंगे, यानी कि शॉर्ट करेंगे। और शॉर्ट करने में हमेशा ध्यान देंगे कि उसका जो मेन थीम है कहानी का जो मेन पोर्शन है, कहानी का जो मेन अर्थ निकल के आने वाला है वो लोप नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट्स को आपको लिखना जरूरी होता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला काम होता है कि आप एवरेज मिलाएंगे वो कितने वर्ड्स का है। अगर 90 वर्ड्स का होता है तो जब आप प्रेसिस करेंगे तो 30 वर्ड्स का आपको प्रेसिस करना होगा। ठीक है गाइस, और जब प्रेसिस आप कर लेते हैं तब उसमें वर्ड काउंट जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि आपने प्रेसिस किया, शॉर्ट कर लिया पैसेज को, शॉर्ट करने के बाद फिर उसमें अंदाज पे आपने कर लिया, तो जहां पर 30 वर्ड्स होने चाहिए अगर 20 वर्ड्स में आपने कर लिया है तो उसमें आपका नंबर उतना एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है कि अगर 90 वर्ड्स का पैसेज है तो उसे उसका 30 हो, 32 हो, 33 तक चलेगा, उससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए वर्ड्स। ठीक है गाइस, तो वैसे आप करेंगे। और जो मेन इसका पार्ट होता है वो टाइटल देने का, लास्ट में टाइटल आपको देने के लिखा हुआ रहता है, गिव द प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइटल ऑफ दिस पैसेज। तो टाइटल देना ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ होता है कि अब जो पैसेज दिया गया है जिसका मैंने प्रेसिस किया है तो उसका टाइटल क्या होगा। तो टाइटल में आप जब पढ़ेंगे सेंटेंस को, पैसेज को जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज किस आधार पर है, मतलब इस पैसेज में किसके बारे में कहा गया है। अगर पैसेज में आपको लिखा हुआ है किसी छोटी सी कहानी दी हुई है तो कहानी किस आधार पर है उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज को पैसेज का हेडिंग दे देंगे, यानी कि प्रेसिस का हेडिंग दे देंगे। ठीक है गाइस, और जैसे अब कैसे समझ में आएगा तो उसमें देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट जो है
वो कौन है, कहानी का सब्जेक्ट कौन बन रहा है इसमें, किस नाउन को बार बार यूज किया गया है, किस वर्ड्स को बार बार कहा गया है, मतलब किस वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करने वाले ने, लिखने वाले ने एक्सप्लेन किया है। अब इन चीजों को ध्यान देंगे और ध्यान दे करके और फिर अप्रोप्रिएट आप उसका हेडिंग लिख देंगे, यानी का टॉपिक दे देंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप एक प्रेसिज लिख लेते हैं अगर आप इंग्लिश समझते हैं तब। अब क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो अब वो भी तो प्रेसिस करेंगे, क्वेश्चन तो छूटना नहीं चाहिए। तो आपको उसमें करना कुछ नहीं है, आपको जो प्रेसिस दिया हुआ इतना तो आप कर ही सकते हैं कि 90 अगर वर्ड्स का है पैसेज दिया हुआ जिसे प्रेसिस करना है, तो उसका आप 30 वर्ड्स तो कर सकते हैं, 30 वर्ड में तो लिख ही सकते हैं। अब उसमें ये करना है कि कहीं कहीं पर सेंटेंस, दो सेंटेंसों को अलग अलग लिखा हुआ है, उनको मिला के एक सेंटेंस बना देंगे आप, थोड़ा सेंटेंस छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे आप सेंटेंस की, शुरुआत करेंगे जब प्रेसिस लिखना शुरू करेंगे, तो जो मेन थीम है कहानी का, कहानी में जो मेन रोल है, मेन जो मुद्दा है वो ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद बीच वाला जो पार्ट है उसको आप स्किप कर सकते हैं, और जो अंतिम जो पोर्शन है, जो पैसेज आपका दिया हुआ है, उसका लास्ट वाला जो पार्ट है उसे आप लास्ट में लिख लेंगे। लेकिन इसमें हमेशा ध्यान दें कि सेम टू सेम ना लिखें, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, थोड़ा सा आप डिफरेंट सेंटेंस को बना लेंगे, लेकिन उसका मीनिंग नहीं बदले। ठीक है गाइस, तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तब तो आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर थोड़ा कमजोर भी हैं तब भी आप उसे करेंगे, आपका एग्जाम में प्रेसिस जो चेक करने वाले हैं कॉपी चेकर, वो ये करेंगे कि आपने उसे शॉर्ट किया है कि नहीं किया है, ये देखेंगे। अगर आपने शॉर्ट किया है तो वो आपको नंबर देंगे ही देंगे, और अगर अप्रोप्रिएट आपने जितना होना चाहिए, जिस तरह से आपने अर्थ के मुताबिक अगर शॉर्ट कर दिया है, प्रेसिस किया है, तब तो आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा ही, और अगर आपने अर्थ के अनुसार नहीं किया है, थोड़ा सा आगे पीछे किया है, तब भी आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप प्रेसिस करेंगे, आपका पैसेज ये एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आपका ये होता है प्रेसिस का, इसे आप कर लेंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट आपको जो क्वेश्चन के से रिलेटेड हो वो आपको वीडियोस मिलते रहे। अगले वीडियो में आपको हम आपके एग्जाम से रिलेटेड ही बताएंगे, तब तक के लिए चलते हैं गाइस, बाय बाय।